एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जो है कल रात बहुत स्नो पड़ी है, तो ऑब्वियसली बहुत क्लीन हो चुका था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दोबारा स्नो के लिए, लेकिन हो गई है। तो अब धूप छाँव का सिलसिला भी है, तो अब आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से हम अपनी सारी स्नो क्लीन करते हैं। वैसे इसके लिए मशीन्स भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा स्नो नहीं है तो हम मशीन यूज़ नहीं करेंगे। हमारे पास ये है और अब हम इसके साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी क्लीनिंग करते हैं। तो इस तरह सीमो ऑफिशियल हमारे साथ रहिएगा सफाई करने के लिए हमारे। फ्रेंड्स, आपको पहले मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये स्नो पड़ी हुई है। यहाँ बीच में गाड़ी थी ऑब्वियसली, तो थोड़ी स्नो यहाँ से बच गई है, लेकिन हमें यहाँ से ये पूरी स्नो साफ करनी है और हमें ख़ास तौर पे ये यहाँ का रूल है कि यहाँ का जो वॉकवे है वो पूरा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई स्लिप हो जाए तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। सो वी हैव टू क्लीन एवरीथिंग प्रॉपरली। सस्ते हुए सीमा ऑफिशियल हमारे साथ रहे और देखें हम क्या कार्रवाई करते हैं। आपसे बातें करते करते और ये सफाई करते करते ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो चुके हैं। ऑब्वियसली फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाएंगे कि देर तक, तो एडिटिंग करके ऑब्वियसली आपको दिखाएंगे क्योंकि सांस देखने कैसे आप लोग ब्रंथ हो रहे हैं। बट इस तरह ये एक फुल एक्सरसाइज है, ये इस पेंडेमिक में जिम वगैरह बंद है तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपकी। तो फ्रेंड्स, ये है वो सॉल्ट जो अब हम यहाँ पर स्प्रिंकल करेंगे। तो इससे ये होता है कि जो बर्फ़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाती है अगर धूप निकले या ना निकले। पहले मैं ग्लव्स पहन लूँ क्योंकि ये सॉल्ट बड़ी हार्श होती है। God is so tiring, see? आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है, बंदा आधा हो जाए उस चक्कर में। तो अब ये हमारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू होता है स्प्रिंकल का काम। जो ना रहता हूँ ऑब्वियसली उनको पता है, जिन बहन भाइयों को नहीं पता उनको बस ये दिखाई हूँ, जरा मैंने दिखाया वहाँ की लाइफ की। अगर स्नो पड़ती है तो आप लोगों का क्या सीन है, किस तरह से आप लोग इसे क्लीन करते हैं और किस तरह से आप लोग रहते हैं। सो यस, फाइनली वी आर डन।
अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और बताइएगा कि आपको ये सारी मेहनत जो की है वो कैसी लगी, किस तरह से हमने सफाई की है, किस तरह से स्नो रिमूव किया है, उसके बाद हमने सॉल्ट डाला है। बस ये छोटी सी कोशिश थी आपके साथ, हमने अपनी रूटीन शेयर कर ली थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट सीमा ऑफिशियल। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलूंगी मैं अपने किसी नए रेसिपी के साथ या ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें।